हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अविंदर सर। आप सब देख रहे हैं ड्राइंग वे चैनल। तो ऑयल पेंटिंग फॉर बिगिनर्स की पार्ट टू वाला टू वीडियोस है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने आपको दिखाया था, तो थोड़ा सा किया था, और इस पार्ट में भी मैं इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो देख सकते हो मैंने कुछ आधा कंप्लीट कर लिया है। और जो मैं आपको एक चीज़ आपको पहले हम भी बताया था, जो बिगिनर्स हमेशा गलती करते हैं, तो पहले हम वो आपको डिस्कस कर लेते हैं। पहले आपको अच्छी तरह से वो चीज़ों को फॉलो करना है, फिर हम ड्राइंग को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखिए। तो सबसे पहले जो बिगिनर्स गलती करते हैं मिक्सिंग और ब्रश को क्लीन करने के लिए, तो पहले भी शुरुआत में मैं भी गलती करते थे। जब मैं एक्सेल पहले की बात है, मैंने वीडियोज में बनाया था ऑयल पेंटिंग, तब थोड़ा सा गलती किया था, फिर ब्रशेस ख़राब हो गया था क्लीन करने में। तो अगर आप ब्रशेस को थोड़ा सा भी गलती से क्लीन करते हो ना, थोड़ा सा ठीक से क्लीन नहीं करोगे तो ब्रश ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बात करेंगे मिक्सिंग किस तरह से करना है। तो उसके लिए तो आपको देख सकते हो लिंसिड ऑयल है वाला, देख सकते हो 100 ml का। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे देंगे, और कलर हमने यहाँ पे ये वाला कलर यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से दिखा देता हूँ, पहले भी हमने अगली वीडियो में भी दिखाया था। तो ये वाला जो कलर है काफ़ी अच्छा है। तो पहले हम स्टूडेंट की कलर क्वालिटी जो कलर यूज़ करते थे, तो अभी मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो 400 इसकी प्राइस है, काफ़ी अच्छा है। तो पहले हम लिंसिड ऑयल का जो काम है वो आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो लिंसिड ऑयल, तो इस लिंसिड ऑयल देख सकते हो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाल के रखा है। तो लिंसिड ऑयल को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, देख सकते हो यहाँ पे एक कलर है। तो पहले यहाँ पे देख सकते हो ड्राई कलर है, तो ये काफ़ी देख सकते हो हम करेंगे यहाँ पे देख सकते हो, तो सूखा कलर है। तो पहले हम मेरे ब्रश पे पहले हम इसे यहाँ से एक बार डिप किया, उसके बाद कलर को इस तरह से जो है मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पतला करने के, जैसे कि वाटर कलर पे वाटर को मिक्स करके करते हैं, हम यहाँ पे ऑयल मिक्स करते हैं, फिर जाके हम पिक्चर्स को इस तरह से हम कर सकते हैं। तो तभी जो है अच्छी तरह से काम होगा, देख सकते हो। तो इसे ऑयल कलर को ऑयल जो वाटर मिक्स करते हैं वो आपको यहाँ पे ऑयल मिक्स करना है। तो ये कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर जब आपका जो ब्रश का काम हो गया, फिर आपको क्या करना है, वो आपको अच्छी तरह से देख लेना है, इस तरह से आपको क्लीन करना है। उसके लिए देख सकते हो मैंने पहले भी हमने बात किया था, ये वाला टर्पेंटाइन ऑयल काफ़ी सस्ता होते और सबसे सस्ता बोल सकते हो। अरे मैंने देखा है बुक वगैरह पे, विलेज वगैरह पे नहीं मिलता है, तो ऑनलाइन पे ही आपको ख़रीदना पड़ता है। लेकिन लिंसिड ऑयल ये वाला हमारे यहाँ पे मिल जाता है, पर मुझे इसे ऑनलाइन से मंगाना पड़ता है। तो मैंने देखा कि आसानी से नहीं मिलता है टर्पेंटाइन ऑयल, और जो बाज़ार में मिलता है नॉर्मल टर्पेंटाइन ऑयल, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्मेल होते हैं। तो अब ऑनलाइन पे इसे ही बाई कर लेना, तो ये वाला लिंसिड ऑयल देख सकते हो, टर्पेंटाइन ऑयल देख सकते हो। तो टर्पेंटाइन ऑयल से हम ब्रश को क्लीन करेंगे। तो ये चीज़ आप पहले लिंसिड ऑयल से मिक्स कर लिया, काम हो गया आपका, उसके बाद हम क्लीन करेंगे। देखो यहाँ पे हमने टर्पेंटाइन ऑयल को डिप करके रखा है, क्या गिर क्या थोड़ा सा यहाँ पे हम थोड़ा सा दिखा देता हूँ, यहाँ पे डिप किया, फिर देख सकते हो यहाँ पे जो क्लॉथ है थोड़ा सा इस क्लॉथ में इस तरह से कलर को निकाल देंगे। फिर दोबारा इस तरह से टर्पेंटाइन ऑयल पे डुबाया, उसके बाद दोबारा इस तरह से करेंगे। तो जब पूरा कलर देखोगे इस तरह से निकलते जाएगा कलर, दो तीन बार करोगे तो ब्रश क्लीन हो जाएगा। एक थोड़ा सा डुबाया, उसके बाद इस तरह से ब्रश को क्लीन कर लिया, तो देखोगे पूरा तरह से जब क्लीन हो जाएगा तो अब देखोगे आपकी क्लॉथ में कलर नहीं आएगा इस तरह से। तो आपको इस तरह से ब्रश को क्लीन करके रखना है। तो जब भी आप दूसरा कलर जब यूज़ करोगे, तो एक बार आपको टर्पेंटाइन ऑयल से आपको ब्रश को क्लीन कर लेना है। उसके बाद दोबारा जब कोई नया कलर यूज़, मान लो आपको येलो कलर यूज़ करना है, तो दोबारा लिंसिड ऑयल में डुबाया, टर्पेंटाइन ऑयल से ब्रश को क्लीन किया, उसके बाद लिंसिड ऑयल में ब्रश को डिप किया। डुबाने के बाद हमने यहाँ पर कलर लेंगे,
उसके बाद हम येलो कलर का करेंगे, फिर येलो कलर हो गया, फिर अगर वो दूसरा कलर करेंगे तो दोबारा हमें इस तरह से ब्रश को लिया टर्पेंटाइन ऑयल पे दोबारा क्लीन करेंगे, सर डुबाया क्लीन किया, डुबाया ब्रश को इस तरह से हम क्लीन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको मैंने काफ़ी धीरे धीरे आपको दिखाया इसलिए क्योंकि आपको ये चीज़ हमेशा अच्छी तरह से पता होना चाहिए। लिनसीड ऑयल को हम मिक्सिंग के लिए यूज़ करेंगे और जब हम नया न्यू कलर यूज़ करेंगे ब्रश को तब हम ब्रश को क्लीन करेंगे टर्पेंटाइन ऑयल से वाला। तो आई होप आपको पूरा पता चल गया है, तो चलिए वीडियो को ड्राइंग को देखिए। हॉरिजॉन्टल कैली 70 सेमी और वर्टिकली 33 सेमी इस पिक्चर्स का जो एक्चुअल इमेज जो साइज है जो मैं अभी ड्राइंग कर रहा हूँ तो अभी देख पा रहे हो।